अरे अरे बेटा स्कूल जाना। मुझे नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए फीस भरी है। फीस क्यों भरी? मैंने थोड़ी काम था। ऐसा नहीं करते भाई। बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई नहीं करना चाहता। अच्छा? नहीं चाहता। ओह माय गॉड। तू नहीं करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? इसे पकड़ कर ऐसे फेंकेंगे। यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? बस पे पहुँच गया। तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ऐसे क्यों फेंक दिया तूने? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को बिगड़ता हुआ देखू? लकी का बेटा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए। जो अंबानी बनने का सपना देखे। फालतू चीजों का टेंशन लेते हो बड़े भाई। देखो आप जाकर आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ, शाम को मिलूंगा। ये आपका बड़ा बेटा है, सच में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें ऐसा लगा? मेरी बदकिस्मती, ये एक बार हमारे होटल आया था, दो चाय लाता हूँ, अगले दिन फिर आया, चार चाय देना। चाय मस्त है कि? वो इतने दिन से आ रहा है तो प्यार से एक शब्द बोल दिया, तब से हमसे जुड़ गया। ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जी? फ्लैशबैक देखो। कैसे हो बेटा? क्या कहा? कैसे हो बेटा ये पूछा। क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे जहन्नुम में जाने के लिए कहा, लेकिन कभी कैसे हो बेटा नहीं पूछा। आज आपने मुझे बेटा कह के पुकारा है तो आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बड़े भाई। बड़े भाई। रो मत, रो मत। और आज से आप मेरी भाभी हुई और तू मेरे बेटे जैसा। ये होटल एक मंदिर है, हमारा रिश्ता अटूट है। आप दोनों राम सीता और मैं लकी। ये देखकर बहुत इमोशनली कनेक्ट हुआ और सोचा कि ये सेंटिमेंटल फेलो है। उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनाकर मेरी ही बजा रहा है। जब उसे भूख लगती है जरा ऊपर देखो, मेरी चाय की दुकान उसके लिए रेस्टोरेंट बन जाता है। अपने दोस्तों के साथ जब दारू पीनी होती है तो ये बार बन जाता है। जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है। ना चाहते हुए भी हमारी तीन की फैमिली चार हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है। उससे कोई भी मिलता है तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, ब्रह्मा भी बना के कंफ्यूज हो गया होगा। इधर क्या लिखा है? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्राइव नहीं करेगा तो पेट्रोल लेके जाएगा। हट साला, लॉजिक वाला बोर्ड निकाल, हट दे। ओ नो भैया, ओह माय गॉड। नमस्ते सर, ये गिर रहा था तो मैंने पकड़ लिया सर। मैं आपके भाई का दोस्त हूँ सर। तेरी तो भाई का दोस्त है? माँ कॉफी। कॉफी बनाओ। माँ चाय। हाँ पहले चाय बनाओ। इसकी तो जलता है। राजनीति में कदम रखने वाले हैं शिवा रेड्डी। साला चोर क्या कदम रखेगा, खा जाएगा सब। गुंडे भी अब राजनीति में घुस जाएंगे। पुलिस क्या कर रही है? ए, कुछ भी छापते हैं। अरे बाप रे, 500 रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा गया कॉन्स्टेबल। चीप, वेरी चीप। चाय। चोरी के पीछे ऐसा है कहा दर्द तेरे की। छी, ए, मंगला पेपर हटा दो यार यहाँ से, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सुबह सुबह पेपर उठा कर देखो तो चोरी पुलिस ये सब क्या है? ओ माय गॉड, मैं तो घर पर बैठकर पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ लेकिन पुलिस की नौकरी करना ना बाबा। टूट गया, अब इसका क्या फायदा? क्यूट, कितना मजा आ रहा है। गोली और बंदूक भी फेंक दे। ए, ये क्या? दे दिया था। हाँ भूल जाती हूँ। बादाम का उपमा पापा के लिए दे आओ। मेरे पापा को बादाम का उपमा पसंद है लेकिन उनके बेटे को उपमे के अंदर के बादाम पसंद है। ठीक वैसा जैसे माँ ने बनाया। बादाम और उपमा, अंदर कोई है? पापा बादाम वाला उपमा। बादाम में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। वो वहाँ रखते हैं, तेरे लिए नहीं है। पापा वो बात क्या है बता। वो क्या है ना, वीसा। किस लिए? मेरी अमेरिका जाने की तमन्ना है। तो तुझे पैसे की जरूरत है? पैसे की बात नहीं है पापा, वीसा के लिए बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। तेरा मस्का पॉलिश मुझे मत लगा, पैसे चाहिए तो भैया से मांग ले। वो कमीना क्या पैसा देगा। क्या कहा तूने? गाली दी आपको कितनी बार? गाली? ये क्या सिगरेट इतनी कैसे हो गई?
पापा मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ बोल। आप सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जो मेरी सिगरेट पीता है उससे तेरी तबीयत ठीक रहेगी। भागो यहाँ से। ये तो गया। पुलिस वालों की दो नहीं चार आंखें होती है। हैरी पॉटर, शहर में बहुत क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, जाकर उन्हें पकड़ो। मेरे दोस्तों को मारने में क्या बहादुरी है? आवारा की तरह इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है, घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता। ऐसे कामों के लिए पैदा नहीं हुआ। शर्म नहीं आती तुझे? आती है ना, तुझे भाई बुलाने में। ए, 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 तुम दोनों फिर शुरू हो गए? तुमसे अच्छे तो वो टॉम एंड जेरी है, कुछ समय तो मिलकर रहते। राम तुम जाओ। अरे वाह, कितनी मोहब्बत है इन दोनों में। ये दोनों कब मिलकर रहेंगे? अब तो इतने बड़े हो गए हैं दोनों, फिर भी झगड़ते हैं। मजाक में ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन राम लक्ष्मण सचमुच झगड़ने लगे फिर क्या होगा? शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी। जमीन का कब्जा और 65 मर्डर किए हुए, एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, ऐसे और भी धंधे हैं। पॉलिटिशियन से मिलकर करोड़ों रुपए कमाकर तीसरे को बेनामी बनाकर तुम खुद छिपे हुए बैठे हो और अब राजनीति में आ रहे हो। एक एक केस पर 100 गवाह रेडी किए हैं, तेरा बचना तो नामुमकिन है। यू आर फिनिश्ड। तुम जैसे कमीने को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। अरे क्या है इस ड्रेस का पावर? इस ड्रेस को शरीर पर पहनते ही मैं खोल गया, ब्लड उबल रहा है, अरे खून खोलूंगा। ये है ओरिजिनल। तुमने जो भी अपने माइंड में मुझे बोलने का सोचा होगा मैं बराबर वही बोला ना? तूने सब कुछ बराबर कहा, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन, तुझे जिंदगी भर जेल में नहीं डालूंगा। तुझे नंगा करके बीच सड़क कुत्ते की तरह दौड़ाकर मारते हुए स्टेशन ले जाकर गन पॉइंट पर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। ये है ड्रेस पावर, ये है ड्रेस पावर, ऐसी तेरी वर्दी की जुबान है। लेकिन इस वर्दी के ऊपर एक और वर्दी है और उसी वर्दी में है असली ताकत। मैं शिवा रेड्डी ये शपथ लेता हूँ कि मैं शासन द्वारा निर्मित भारत के इस राज्य में अपने पूरी ईमानदारी और विश्वास से अपने कर्म को करके दिखाऊंगा। भगवान को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूँ, पहले मंत्री उसके बाद मुख्यमंत्री। ये तुम्हें कैसा लगा? साला इसके लिए मैं 2 साल से गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा आदमी बनकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। लोग अच्छा शिवा रेड्डी, क्लीन शिवा रेड्डी समझे मुझे, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मां कसम खाता हूँ। अरे तुम लोग भी मुझे सपोर्ट करो ना, नहीं तो मरेगा तू। मुझ जैसे कितनों को मार सकता है? डिपार्टमेंट में कदम कदम पर तुझे मुझ जैसे मिलेंगे। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मिलकर जब बीच रास्ते तुझे गोलियों से भून देंगे ना, तब तब आएगा असली मजा। साला जनता का सेवक शिवा रेड्डी किसी को नहीं मार सकता, इसे छोड़ने का सोचा था। मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैंने बापू को वादा किया है मैं नहीं मारूंगा। तू मारेगा। मार दे उसे प्लीज। प्लीज नहीं। यहीं पर ट्रेनिंग करते हो ना, उसका उपयोग करने का टाइम आ चुका है। मार, चल ठीक से निशाना लगा, चल मार, चल। एक की वजह से तुम सबको मरना पड़ेगा। राजीव, जान देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस कुत्ते के हाथों मरने से अच्छा है मैं अपने डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के हाथों मरूं। मेरी वजह से तुम सब लोग अपनी जान रिस्क में मत डालो। शूट मी राजीव, शूट मी, थ्री टू इट, आई सेड शूट मी, शूट मी राजीव, इट्स एन ऑर्डर। मेरे मरने के बाद भी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। शूट मी, टू शूट मी राजीव, इट्स एन ऑर्डर, आई सेड शूट मी।
सर्विस रिवॉल्वर को क्लीन करते वक्त मिसफायर हो गया बताकर बंद कर दो केस। पुलिस की ट्रेनिंग में टॉप रैंकर, ड्यूटी में सबसे आगे, फैमिली में सबसे पीछे, शूटिंग रेंज में टॉपर, छोटी सी चुटकी पर भी अलर्टनेस, ऐसा ऑफिसर सर्विस रिवॉल्वर क्लीन करते हुए मर गया। सर, तुम फिक्र मत करो, इसका इंसाफ करने कोई ना कोई आएगा, जरूर आएगा। यार इस लड़की में कितनी हिम्मत है, और तू है कि डरपोक कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। तू फिर शुरू हो गई। ए, रुक जा, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ, एक भाई है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ओह माय गॉड, ये इतनी शांत कैसे खड़ी है? मुझे तो लगता है भूतनी या चुड़ैल होगी, टेस्ट करना पड़ेगा। आप तो बहुत बहादुर है। I'm lucky. And you? भावना। चेहरे पर भावना नहीं है, और माँ बाप ने नाम भावना रख दिया। क्या कहा? पवन कल्याण। ये फिल्म बहुत फनी है ना? आप रिएक्ट नहीं कर रही, पवन कल्याण पसंद नहीं है क्या? इनके लिए तो मैं पागल हूँ। तो फिर इस सीन पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? मैं हंसी थी। साइलेंट मोड हो।